चलें जी, आज हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक होती है, कल हमने जैसे पढ़ा स्पैनिंग ट्री, ठीक है, उससे रिलेटेड ही हम लोग एक पोर्ट फास्ट का जो फीचर है उसे यूज़ करते होते हैं। कमांड होती है, हमें पोर्ट को जाना पोस्ट फास्ट कर देते हैं। इसका बेसिकली मकसद पोर्ट फास्ट करने का ये होता है कि आपकी जब भी कोई लिसनिंग या लर्निंग स्टेज में होता है तो टाइम लगता है ना, ठीक है। और बात का जो ज़्यादातर आपकी डिवाइसेज हैं शट डाउन होना है, जिन्होंने स्टार्ट होना है सुबह को और रात को शट डाउन होना है शाम को जाते हुए, तो उन डिवाइसेज की जितनी पोर्ट्स हैं हम उन्हें ज़्यादातर पोर्ट फास्ट कर देते हैं। तो वो डायरेक्ट क्या करता है, जैसे कनेक्ट होता है डायरेक्ट पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाती है, बजाय कि वो पहले लिसनिंग करें लर्निंग करें, ठीक है। तो इसको हम पोर्ट फास्ट फीचर कहते हैं। उसी तरह ये डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी, आप इसमें कुछ चीज़ें देख लेना। कहता है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इज अ सिस्को एनहांस टू एसटीपी यूज्ड टू अलाउ पोर्ट्स अटैच टू एंड डिवाइसेस एंड साइट, जैसे आपके प्रिंटर है, आपका कह लो कि कैमरा हो सकता है या और कोई डिवाइस या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो भी हमारी एंड डिवाइसेज हैं उनके साथ हम इसको जो है ना वो कर देते हैं, बजाय कि वो डायरेक्टली उसे पता चलता है ना इसको ब्लॉक करना है या फॉरवर्ड करना है, ठीक है। बिलोंग टू, हाँ, कन्फिगर करना पड़ता है, एक कमांड है उसके, हाँ, स्विच में हम स्विचिंग पढ़ रहे हैं, स्विच की है एक कमांड, ठीक है। तुम्हारी जितनी डिवाइसेज है ज़्यादातर स्विच के साथ लगी होती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी पोर्ट फास्ट स्पेशली यूजफुल पोर्ट दैट आर कनेक्टेड टू डिवाइसेज दैट शट डाउन फ्रीक्वेंटली, व्हेन यू टर्न ऑन सच आर डिवाइसेज द स्विच ब्लॉक्स द पोर्ट्स फॉर 30 seconds वाइल द लिसनिंग एंड लर्निंग। वही मैंने आपको बताया, जो 15 seconds लिसनिंग के लिए लेने हैं, इसने 15 लर्निंग के लिए लेने हैं, तो वो कहता है उस वक्त तक ये ब्लॉक करके रखता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट करना चाहते हैं कि यार ये तो डेली काम होगा, तो उसे होके हमारा टाइम ना जाया, तो हम उस पोर्ट को पोर्ट फास्ट कर देते हैं। और याद रखो कि हमेशा हमने जो पोर्ट फास्ट करनी है वो सिर्फ आपने वो वाली पोर्ट करनी है जिसके साथ आपकी एंड डिवाइस लगी है, कंप्यूटर है, पीसी है या और कोई चीज़ जिसने डेली सुबह कह लो कि ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंटली रीस्टार्ट वगैरह होती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो देन हमारा जो कह लो कि स्विच है वो लिसनिंग या लर्निंग करता है। तो इसमें हमारा अगर ये वाली सिचुएशन हो, इमेजिन करो कि 100 200 300 कंप्यूटर अगर हमारा लगा हुआ है एक ही इसके अंदर कह लो कि बिल्डिंग के अंदर, और डेली वो ऑन ऑफ होते हैं, तो उसमें ये होगा कि अगर वो डेली ऑन ऑफ होने से अब ज़ाहिर है स्विच को ऑन करने के लिए उसको क्या करना है कि उसको लिसनिंग लर्निंग स्टेट्स में जाना है, जैसा हमने कि स्पैनिंग ट्री में पढ़ा, ठीक है। तो वो फिर टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। वो भी आपका जब स्विच दोबारा ऑन होगा तो सारा उसने पोर्ट्स को एनालिसिस करना है, उसमें उसने सारा चेक करना है, ठीक है, उसने फॉरवर्ड लिसनिंग लर्निंग करनी है। तो ये बेहतर है कि दूसरी पोर्ट्स को तो वो करे ही करे, लेकिन जितनी एंड साइड की हैं वो हम उसे पोर्ट फास्ट का, अगर इस पोर्ट को हम पोर्ट फास्ट कर देते हैं तो वो क्या होगा, डायरेक्ट वो फॉरवर्ड स्टेट में चला जाएगा, उसको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाओ तो सिस्को जो रेकमेंड करता है कि आपने जनाब कभी भी जो है ना ट्रंक लिंक, जो आपका मेन दो स्विचेस के दरमियान लिंक होता है, इनके अपर पोर्ट फास्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हमेशा करनी है तो आपने डिवाइस वाली साइड जिसके साथ डिवाइस लगी है उसको करना है, ठीक है। हाँ, वो करना चाहिए आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारी ये पोर्ट फास्ट की, अगर मैं हम लोग थोड़ा सा जाकर देखें, मैं करता हूँ डिस्कार्ड यहीं पे और अपना हम लोग चलते हैं पैकेट रेसर पर। इसकी कमांड कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ कि हम लोग पोर्ट फास्ट कैसे करते हैं। सिंपल जाके एक सिंपल सी कमांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा स्विच है, हमने एक स्विच ले लिया और एक एंड डिवाइस ले लेते हैं, हमारा एक पीसी लगा हुआ है, ठीक है। और इनकी जो केबल है हमारी स्टेट, हम उसको कर देते हैं इस पे ऑन, ठीक है। तो अब देखो जैसे वो चल रहा है, अभी देखो एम्बर है इस साइड पे ना, और इस साइड पे तो ग्रीन होगी फौरन, ठीक है, लेकिन इस साइड पे एम्बर है अभी तक। तो वो क्या कर रहा है, अभी तक वो इसको चेक कर रहा होगा कि जी हमारा लिसनिंग, ये देखो अभी लिसनिंग कर रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर जाता हूँ इसको करता हूँ तो अभी लर्निंग में चला गया, ठीक है। तो ये तो पैकेट ट्रेसर है, जल्दी जल्दी एक वो सॉफ्टवेयर सा बना हुआ है, वो जल्दी जल्दी करता जा रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि रियल जब स्विच होगा आप वहाँ पे, तो इसने पूरे 15 सेकंड लेने हैं और 15 सेकंड उसके ऊपर लेने हैं, ठीक है। और देन इसने फॉरवर्डिंग स्टेट में जाना है, ठीक है, अभी तक अब गया है जाके ये फॉरवर्ड स्टेट में, ठीक है। तो इसमें होता है कि जब हम सिंपल इस पोर्ट को, जो हमारी पोर्ट ये है फास्ट इथरनेट 071, हम इसको पोर्ट फास्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अंदर जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट
ठीक है, और हमने कर दिया एंटर। कहता है जी कॉशन, पोर्ट फास्ट शुड बी अनेबल ऑन पोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। ये उसकी वार्निंग है, एक कह लो कि जब भी आप कोई करते हैं तो ये एक वार्निंग मैसेज है। वो कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं साइड पे करें जो आपकी कह लो कि होस्ट साइड है। फिर कहता है कनेक्टिंग हब कनेक्टर स्विचेस ब्रिजेस ईटीसी टू दिस इंटरफेस व्हेन पोर्ट फास्ट इट इज अनेबल कैन कॉज अ टेम्परेरी ब्रिजिंग लूप। अब ब्रिजिंग लूप आ सकता है अगर आप स्विच टू ब्रिज स्विच टू हब अगर इन चीज़ों के दरमियान जो मैंने बताया कि ट्रंक लिंक, ठीक है ना, तो वो आपका वो कर देता है। ठीक है, अदरवाइज वो कहेंगे जी पोर्ट फास्ट हैज़ बीन कन्फिगर्ड ऑन स्विच, आपका फास्ट इथरनेट इसके ऊपर कहता है जी हमने वो पोस्ट आपकी जो है ना वो फास्ट कर दी है। ठीक है ना, दैट विल ओनली अलाउ एन एफिशिएंट इंटरफेस इन द नॉन ट्रंकिंग मोड्स। ये आगे फिर वो करता है, बहरहाल हमने इसको जो है ना वो पोर्ट फास्ट कर दिया। ठीक है, हमारे स्विच वन को शो स्पैनिंग ट्री, आपका जो है ये हमारी पोर्ट आ गई, हम कहते हैं शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। ठीक है, तो हमारा ये कह लो कि पोर्ट फास्ट हो चुकी है फुल डुप्लेक्स। अमूमन हम देखें अपना यहाँ पे कमांड होती है CCNP की कि हमने वो चेक करना होता है, मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा था अगर मेरे ज़हन में आ गई। बार कैफ, अब ये हमारी क्या है, ये वाली जो हमारी पोर्ट है ना, ये कह लो कि अगर हम शो रन में जाएं तो हमारी जो 01 है वहाँ पे उसने दिखाया होगा कि यार ये आपकी जो पोर्ट है ना ये पोर्ट फास्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये लिसनिंग लर्निंग में नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्या करेगा कि जब भी वो कंप्यूटर हमारा ऑन या ऑफ होगा तो ये क्या करेगा कि हमारे उधर से डायरेक्ट आराम से जो है ना, अगर हम ऑन और ऑफ करते हैं तो ये देखो डायरेक्ट उसने बजाय के एम्बर जाने के वो डायरेक्ट ग्रीन हो गया। ठीक है, तो उसे लिसनिंग लर्निंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या किया कि वो उसने डायरेक्ट कह लो कि फॉरवर्ड स्टेट में ले गया। तो ये एक होता है ऑप्शन हमारा कि हम लोग पोर्ट फास्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ थी जो बताना लाजम था। अमूमन इसके रिलेटेड आप कह लो कि क्वेश्चन आते रहते हैं, आपके लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि जी इससे क्या होता है या क्या ज़रूरत है हमें करने की पोर्ट फास्ट। और हाँ, जो एक्सेस पोर्ट पे लगी हैं, देखो आपकी पोर्ट जो है स्विच की पोर्ट जो है उसके दो बिहेवियर हो सकते हैं, या तो उस पोर्ट को आप ट्रंक के लिए यूज़ कर रहे हो या एक्सेस मोड में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एक्सेस मोड जैसा कि मैंने कहा जी इसको एक्सेस कर लिया, अब इसके पास एंड यूज़र ही डिवाइसेस लगेंगे, इस पर ट्रंक नहीं लगेगा। ठीक है, दो ही बिहेवियर हैं आपकी पोर्ट के। ठीक है, और वो या तो आप ट्रंक करेंगे उसको या पोर्ट फास्ट आपकी एक्सेस पोर्ट करेंगे। तो एक्सेस पोर्ट पे हम लोग जो है वो ज़्यादातर पोर्ट फास्ट कर देते हैं कि यार ये पोर्ट फास्ट हो जाए, क्योंकि डेली कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ होने हैं तो हमारा टाइम ना जाया हो। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड स्टेट में चला जाए बजाय कि वो लिसनिंग करे 15 सेकंड उस पर कह लो कि वेस्ट करे, उसके बाद लर्निंग में चला जाए तो 15 उसमें चला जाए तो वो हो जाए। दूसरी जो टर्म्स है वो हमारी ट्रंकिंग की, आगे उसकी 3-4 स्लाइड्स आ रही है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रंक होता क्या। ठीक है, तो मैं उसको आपको डिटेल में बताता हूँ ये VLANs के पोर्शन के बाद। ठीक है जी, तो ये हमारा अब आगे, ये तो पोर्ट फास्ट था, उसके बाद आता है हमारा VLANs जिसे हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी स्विचिंग के कुछ लेक्चर्स में पढ़ा के स्विच के जो हमारा स्विच होता है इसके अंदर हर पोर्ट जो है वो एक कोलिजन डोमेन होती है। ठीक है, कोलिजन डोमेन होती है, हमने पढ़ा है, तो कोलिजन डोमेन तो होती है। ठीक है जी, वेल एंड गुड, आप कोलिजन डिटेक्शन जो भी होगी वो इन डोमेन्स के अंदर होगी, कम से कम एक जो है ना पोर्ट एक कोलिजन डोमेन है तो उसके अंदर कम कोलिजन आएंगी। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स हमने ड्रॉबैक जो देखा था, हमारा जो बड़ा ड्रॉबैक था वो था कि हमारे स्विच के अंदर वन ही ब्रॉडकास्ट डोमेन थी। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जो है ना वो हमारे हर पोर्ट से निकलती रहती है, तो जिसकी वजह क्या होती है कि अमूमन हमारा कह लो कि ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होने की वजह से हमारा CPU यूजेज भी बढ़ जाती है, हमारा नेटवर्क भी स्लो हो जाता है और RAM यूजेज भी बढ़ जाती है, इस तरह के इश्यूज जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो वो इसकी ब्रॉडकास्ट ज़्यादा बढ़ी होने की वजह से हमने क्या कहा था कि हम कहते हैं यार चलो इसको तो हम तोड़ देते हैं कुछ VLANs के अंदर। जैसे हमने VLANs के अंदर जब हम तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो हैं, हम इसको दो को इसके अंदर कर देते हैं, ये आप होस्ट बेस के ऊपर भी कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग इसको वो क्या डिपार्टमेंट बेस के ऊपर करते हैं, ये VLAN हमारी अकाउंट डिपार्टमेंट की है, ये हमारी सेल डिपार्टमेंट की है, तो वही होता है कि इसमें उनको सिक्योरिटी भी मिल जाती है कि हम उसके बंदे जो
डिपार्टमेंट के हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक दूसरे के अंदर कह लो कि नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें आपकी पिंग भी रुक जाती है, पूरी की पूरी पिंग आपकी जो है वो इसके अंदर रुक जाती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि फिर हम अब ये वजह होता है कि बासकत हमें वीलैंस के दरमियान भी डाटा को इंटरचेंज करने की ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग फिर कह लो कि वीलैंस के अंदर दो आगे मूड हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें यह है कि हमारी जब भी वीलैंस दो क्रिएट होंगी तो उनमें आपस में स्विच के होते हुए आप जो है ना वो डाटा एक दूसरे के साथ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने चेंज करना है या तो आप राउटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। दो तरीके से हम लोग क्या है कि वीलैंस का डाटा चेंज करते हैं, एक तो आपका राउटर ऑन स्टैक यानी कि इंटर वीलैन राउटिंग कर सकते हैं वो राउटर को लगाकर, ठीक है। और दूसरा अगर आपका लेयर थ्री स्विच है, क्योंकि लेयर थ्री स्विच के अंदर भी जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर भी ऑप्शन होता है, इसमें कैपेबल होता है ये राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के लिए, ठीक है। जो कुछ प्रोटोकॉल हमारा राउटिंग के राउटर्स पर चलते हैं तो स्विचेस में भी चलते हैं। अमूमन छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो राउटर को नहीं इतना वो उन्हें चाहिए नहीं होता, लेकिन कभी कभार उन्हें राउटिंग करनी पड़ जाती है तो वो लेयर थ्री का स्विच ले लेते हैं। अमूमन स्कूल्स हो गए, स्कूल्स की लैब हो गई, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की छोटी मोटी लैब्स होंगी, इस तरह के छोटे छोटे ऑफिस जो है ना वो बास का बजाय कि वो कहते हैं जी हम स्विच लैदा खरीदें फिर राउटर लैदा खरीदें, बजट इतना नहीं है तो वो बास का हम कहते हैं कि यार ठीक है आप स्विच ही खरीद लो 24 पोर्ट का जो लेयर थ्री स्विच हो जिसके अंदर छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स भी चल जाएँ राउटिंग के, ठीक है, सिस्को का, तो वो राउटिंग का काम भी देते हैं। तो बास का ऐसा भी होता है, तो ये दोनों चीज़ों के थ्रू हम लोग जो है ना वो वीलैंस की आपस में डाटा जो है ना इंटर वीलैन राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो एक वीलैन सेपरेट है तो दूसरी सेपरेट ही रहेगी। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखें हम लोग तो कहता है जी क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन लेयर टू स्विचेस, हमारी वीलैन जो क्रिएट होती हैं हमारी लेयर टू स्विचेस के ऊपर। वीलैंस कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, इनके स्टैटिक वीलैंस भी बना सकते हैं और डायनामिक भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। फिर कहता है जी सेगमेंट लैंस इनटू लॉजिकल ग्रुपिंग, वीलैंस होती क्या है, कहता है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है आपको उसको लॉजिकल छोटे छोटे वीलैंस में चेंज कर देते हो, वर्चुअल लैंस में आप ग्रुपिंग कर देते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि प्रोजेक्ट टीम वालों के लिए वीलैन है, एप्लीकेशन वालों की इस तरह की आप डिफरेंट सेल्स की ये है इसकी, आप छोटे छोटे लॉजिकल ग्रुप्स में चेंज उसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है। यूज़र मस्ट बी इन सेम वीलैन एज देयर वर्क ग्रुप सर्वर, ठीक है, जैसा जो यूज़र्स हैं वो अपनी ही वीलैंस के अंदर होंगे, ठीक है। उसके जब जाहिर है डिपार्टमेंट आपका जो सेल्स है उसकी वीलैंस है तो उसमें वीलैंस के यूज़र्स ही रहेंगे ना, दूसरे तो आएंगे नहीं। वीलैन इज़ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, आपकी हर वीलैन जो है वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाती है, ठीक है। हमने बड़ी डोमेन को ब्रॉडकास्ट को तोड़कर छोटी वीलैन में कर दिया तो जितनी वीलैंस बनेगी उतने ही ब्रॉडकास्ट की डोमेन्स बन जाएंगी। ट्रैफिक कैन बी स्विच बिटवीन वीलैन विद राउटर, ठीक है, वही मैंने जो आपको पहले बताया कि हमारी वीलैंस की जो ट्रैफिक है वो एक दूसरे के दरमियान अगर भेजना चाहते हैं तो हम राउटर के जरिए वीलैन 1 से वीलैन 2 में या वीलैन सेल से वीलैन काउंट्स में भी डाटा भेज सकते हैं राउटर के थ्रू, ठीक है। तो वो राउटर होता है जो हमें आगे कहता है, आगे वीलैन ऑपरेशन कहता है स्विच मेंटेन्स अ ब्रिज टेबल फॉर ईच वीलैन, जाहिर हर स्विच जो है ना वो अपना एक ब्रिज टेबल करता है मेंटेन जिसके अंदर उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वीलैंस की। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको देखें तो हमारा ये फ्लोर 3 है, ठीक है। तो मूमन जो कह लो कि ट्रेडिशनल वीलैन सेगमेंट स्टेशन बनाई जाती है आप हर फ्लोर के ऊपर बना दो। फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट भी होंगे तो फ्लोर्स वाइज ही हो सकते हैं, जिना आप 5th फ्लोर पे अकाउंट डिपार्टमेंट है, 2 फ्लोर पे हमारा जनाब अकाउंट एडमिन है या इस तरह के ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हर फ्लोर्स वाइज भी होते हैं। तो वो रिकमेंडेशन वो कहता है ट्रेडिशनल जो आम तौर पर बनती हैं वीलैन वो क्या करते हैं कि आप स्टोर आपका फ्लोर 3 की ये वीलैन होगी, इसका एक स्विच लगा दिया इधर, ठीक है, इसके अंदर वीलैन बन गई। आपकी जो है फ्लोर 2 के ऊपर आपका और कोई डिपार्टमेंट है उसकी वीलैन बन गई, उसका स्विच इधर लगा दिया, और आपका ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर वो आपका वीलैन ये बन गई और उसका स्विच इधर लगा दिया। और तीनों स्विचेस के दरमियान फिर हम लोग जो है ना एक एक लिंक जो है वो अपना राउटर के साथ लगा देते हैं ताकि अगर ट्रैफिक इधर से निकलेगी तो राउटर से पास होकर फिर इधर जाए इस वीलैन में, और इधर से निकलती है तो राउटर के थ्रू ही होकर अपना उधर के जाए। तो ये राउटर की जिम्मेदारी है को वीलैन 3 वीलैन 2 और वीलैन 1 के दरमियान जो राउटिंग करनी है वो इस तरह। तो ट्रेडिशनली जो है ना वो फ्लोर वाइज भी लोग जो है ना वो बनाते हैं। और नॉर्मल सेगमेंटेशन भी अगर करें तो कोई अगर आपकी नॉर्मल है फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी एक बंदा है जो अकाउंट्स का बैठा है और दूसरा आपका कह लो कि सेल्स का बैठा है, तीसरा फ्लोर के ऊपर आपका एडमिन का बैठा है, ये तीनों अगर एक ही फ्लोर पर बैठे हैं और लेकिन बिलोंग करते हैं किसी डिफरेंट वीलैंस के अंदर,
ठीक है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो फिर उस पोर्ट को हम VLAN, इसको कहते हैं ये VLAN 1 की पोर्ट है जनाब, ये VLAN 2 की पोर्ट है, ये VLAN 3 की पोर्ट है। तो इस तरह ये ट्रंक पोर्ट जो है ना, वो ट्रंक लिंक के जरिए फिर आगे से फिर, और राउटर हम चाहे इधर लगा दें इधर लगा दें, राउटर को हमने दे देना होता है कि इंटर VLAN आपने कैसे करना। ठीक है, तो ये मैशअप टाइप का बन जाता है, ये मैश टाइप की बन जाती है कि एक ही फ्लोर के अंदर तीन बंदे मुख्तलिफ VLANs के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनली तौर पर हेडेक फ्री अगर बनानी है तो इस तरह की लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि ईजी मैनेज करना होता है। हमें पता होता है इस फ्लोर पे, ये फ्लोर पे सेल्स वाले बैठे हैं और तो सेल्स वाले VLAN 3 के हैं, ठीक है, तो वो हमें मैनेज करना। तो अगर मैसअप हो इस तरह का तो फिर भी बंदे को कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन आइडिया होता है कि बाज़ लोग कहते हैं यार हमें अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में एक जनाब हेड है, वो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा है, तो वो भी बैठेगा, उसकी चेयर भी फ्लोर 3 पे है। ठीक है, तो इस तरह की भी जो है ना मैसअप हो सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्विच कैन सपोर्ट मल्टीपल VLANs एंड स्विच परफॉर्म फिल्टरिंग फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन VLAN IDs। तो वो आपके स्विचेस जो हैं वो ट्रंक को यूज़ करते हुए उन्हें पता होता है कि यार अगर मेरा पैकेट आता है फ्रेम का तो उसके ऊपर टैग लगाता है वो ट्रंक जो है, ट्रंक टैगिंग आगे मैं बताता हूँ कि उसमें क्या फ़र्क है, उसके ऊपर टैग लगाता है और टैग लगाने के बाद क्या करता है, कहता है जी ये फलानी VLANs का है। तो जब वो फ्रेम ट्रैवल करता है यहाँ से दूसरे स्विच तक, तो इस स्विच को पता चलता है कि यार ये पैकेट आया ये VLAN 2 का है, अदरवाइज उस स्विच को पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो वो टैगिंग और IDs के जरिए आगे फिर चलते हैं। नेक्स्ट में चले जाए तो हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स वही है, क्रिएटेड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, आप एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटी डोमेन्स में चेंज कर सकते हो, आप ट्रैफिक को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी, जाहिर है एक कंसर्न डिपार्टमेंट का बंदा है, दूसरे का उसको ताल्लुक ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता, इवन कि वहाँ पर पिंग भी नहीं जाएगी अगर वो कह लो कि अगर उसने हमने उसे अलाउ नहीं किया हो। ठीक है, तो वर्क स्टेशन कैन बी मूव विदाउट नीडिंग रिकन्फिग्रेशन, आप अपने वर्क स्टेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ क्या डोमेन मसलन, हाँ हाँ वो तो आपका डिपेंड करता है ना किस VLANs के अंदर आपने उसको डाला हुआ है, आपके अकाउंट्स की डोमेन्स अलहदा हो सकती है दूसरे की अलहदा, आप एक ही डोमेन्स है उसको आप सेपरेट कर दें। ठीक है, तो वो स्विच पर वो एंड उस पर ज़्यादातर होता है कि जो हमारे एक्सेस यूज़र्स हैं ना, हम उनको अब सर्वर्स की अलहदा भी आप VLAN बना सकते हैं, चार पाँच सर्वर हैं उनको अलहदा रखते हैं, इंटर VLAN राउटिंग आप उसके साथ कर दें हमारे राउटर के साथ। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये डायग्राम है, ठीक है, आप देखो इस डायग्राम में वो VLAN 1 है, VLAN 2 है, VLAN 3 है। ठीक है, इसमें देखो तो ये सर्वर्स का उसने अलहदा बनाया हुआ है, अब ये सर्वर जो है VLAN 1 में है, ये सर्वर VLAN 2 में है, ये सर्वर VLAN 3 में है। ठीक है, तो ये मैसअप सी एक बिल्डिंग की बनाई हुई है, ये VLAN 1 के यूज़र्स हैं, ठीक है, और भी ये VLAN 2 के यूज़र्स हैं, ये VLAN 3 के यूज़र, तो आप सर्वर्स की भी एक VLANs को उनको भी VLANs के अंदर डाल सकते हो। तो ज़ाहिर है जब आपके पास राउटर है तो हर कोई अपना कनेक्ट तो हो सकता है इजीली, वो राउटर के थ्रू जाके डोमेन के अंदर वो कनेक्ट हो जाएगा कहीं से भी। ठीक है, तो VLAN इज ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएटेड बाय वन और मोर स्विचेस, द नेटवर्क डिज़ाइन अबव क्रिएटेड 3 सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। तो ये 3 सेपरेट जितनी VLANs होंगी उतनी ही सेपरेट हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो जाती हैं। ठीक है, अब इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ये वाले जो यूज़र्स हैं और ये वाला सर्वर, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये वाला सर्वर और ये सेकंड वाले यूज़र, ये दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन और ये तीसरी और ये वाला सर्वर। ठीक है, तो 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन वही हमारा है। अब आ जाते हैं जी, ये तो होगी थी VLANs, अब के देखते हैं कि हमारा ट्रंक क्या होता है। ट्रंक लिंक, ट्रंक हर कोई जो लिंक होता है हमारा स्विच टू स्विच दरमियान कनेक्ट जो कनेक्शन होता है उसे हम ट्रंक नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक हमारा कह लो कि यूज़र है, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसमें देखो ट्रंक वो वाला लिंक होता है कि जिसके अंदर आपकी VLANs की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, जिसके ऊपर टैगिंग होती है उसे हम ट्रंक लिंक कहते हैं। ट्रंक लिंक हमेशा VLANs को कैरी करता है उसकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें देखो तो इसमें ये बैकबोन का एक ट्रंक है, फॉर एग्जांपल ये स्विचेस, दो स्विचेस हैं उनका एक ट्रंक है, तो उसके अंदर जब भी जाएगा तो ट्रंक के अंदर जो पैकेट जाएंगे तो उस ट्रंक के ऊपर टैगिंग होगी। तो VLANs की जो ट्रंक क्या करता है, टैग करता है। इधर से अगर VLAN 1 का डाटा जाएगा तो वो उसके ऊपर टैग लगाएगा फ्रेम के साथ कि ये VLAN 1 का डाटा है, ताकि इस स्विच को पता चल जाए कि ये फ्रेम किस VLAN का है। ठीक है, तो इधर ये वाला जो अगर यूज़र है VLAN 1 का, इसने कोई डाटा भेजना है तो इसके फ्रेम के ऊपर VLAN 1 का लगेगा, तो यहाँ पे जब पूछे उतर जाएगा वो फ्रेम, तो ये स्विच क्या करेगा, उसका टैग उतारेगा और कहेगा जी ये VLAN 1 का है, ये लो जी तुम ले लो, तो किसी और यूज़र को वो नहीं भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रंक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन VLAN की ट्रैवल करती है उसे हम ट्रंक लिंक कहते हैं, जिस लिंक के ऊपर हमारी इनकी जाती है। तो वो टैगिंग लगाते हैं फिर आप, कहता है VLAN टैगिंग इज़ यूज्ड व्हेन अ लिंक नीड टू कैरी ट्रैफिक फॉर मोर देन वन VLANs। ठीक है, तो टैग हमारे यूज होते हैं, कहता है ट्रंक लिंक एज पैकेट्स आर रिसीव्ड बाय द स्विच फ्रॉम एन अटैच्ड
एंड स्टेशन डिवाइस अ यूनिक पैकेट आइडेंटिफाई इज एडेड विद इन विद ईच हैडर, तो टैग का हैडर लगता है आगे। फिर हम अगर सी सी एन पी करोगे तो उसमें डिटेल टैगिंग के जो हैडर्स हैं वो बताए जाते हैं हमें, वो इंशाल्लाह आगे सी सी एन पी का टॉपिक है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए सी सी एन ए लेवल के पे कि ये हमारे ट्रंकिंग के ऊपर भी टैगिंग होती है, और टैगिंग जो है वो इंश्योर करती है कि जब भी एक फ्रेम जाता है उसके ऊपर टैग लगता है। ये फ्रेम अगर वन ने भेजा है, वीलैन वन के यूज़र ने, तो आगे स्विच को पता होना चाहिए कि ये जब वो रिसीव करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि ये फ्रेम जो आया है ये किस वीलैन से बिलोंग करता है और मैंने किस यूज़र को भेजना है जो उसी वीलैन का मेंबर हो। ठीक है, द अदर इन्फॉर्मेशन डेजिग्नेटेड द वीलैन मेंबरशिप फॉर ईच पैकेट, हुई जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट में चले जाओ तो कन्फिगरिंग अ ट्रंक। अगर देखो ऊपर वाली एग्जाम्पल को हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी चार पोर्ट्स लगी हैं, एक स्विच ऐसे है, ये मेरा स्विच ऐसे है, इसके अंदर चार पोर्ट लगी हैं। अगर ये देखो फॉर एग्जाम्पल इसकी ये वाली पोर्ट, ये अंदर वाली पोर्ट और इस स्विच की अंदर वाली पोर्ट, इस स्विच की पोर्ट, ये मैं अगर सबको देखूँ तो ये सारी वी लैन वन में है। ठीक है, इसी तरह हम नीचे वाली पोर्ट को देखें, ये पोर्ट हमारी वन हो सकती है, ये टू हो सकती है, ये इधर इसकी टू हो सकती है इस स्विच की, और ये वन हो सकती है, तो ये सारी की सारी किस में है, वी लैन टू के अंदर। ये इस तरह का कनेक्शन जो है, ये वाला कनेक्शन, ये हमारा ट्रंक लिंक नहीं कहलाता। ठीक है, ये तो एक सेपरेट हमने पोर्ट ही डाल दी सारी वीलैन वन में। ठीक है, तो ट्रंक के ऊपर तो मल्टीपल वीलैंस ने जाना होता है। ठीक है, जिस तरह ये नीचे देखो कि ये हमारा ये वाली स्विच वीलैन वन की पोर्ट है, ये वीलैन टू की पोर्ट है, इधर भी ये वीलैन वन की पोर्ट है, ये वीलैन टू की पोर्ट है, लेकिन ये एक ही पोर्ट के ऊपर हमारी वीलैन वन भी ट्रैवल करेगी और वीलैन टू भी ट्रैवल करेगी सेपरेट। हाँ, ट्रंक जो होता है वो हमारा स्विच टू स्विच कन्फिगर करना होता है। ठीक है, तो इसकी दो कमांड होती हैं बेसिकली, नॉर्मल सी स्विच पोर्ट मूड एक्सेस, हम पहले उसकी एक्सेस लेते हैं और फिर हम कहते हैं जी स्विच पोर्ट मूड ट्रंक, आप उसको ट्रंक कर देते हो कि यार ये हमारी स्विच पोर्ट मूड। नहीं, इन पर आई पी देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आई पी तो हमारे फिर लेयर थ्री पे आ जाता है, आई पी की सिचुएशन लेयर थ्री पे है, हम लेयर टू पे स्विचिंग आपकी याद रखो लेयर टू पे होती है, यहाँ पे आई पी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैक एड्रेसेस होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, आई पीज का जो भी चक्कर है वो हमारा राउटर पे जाता है लेयर थ्री पे। ठीक है, स्विचेस जब भी आएंगे, अगर कोई कहता है बंदा फॉर कन्फ्यूजन के एक सवाल कहता है यार दो स्विच लगे हैं इनके दरमियान, अगर एक मैं लिंक बनाता हूँ एक पोर्ट के ऊपर मैं आई पी दे देता हूँ 192.168, दूसरे के ऊपर 123, इस तरह 192.3, तो आप उस वहीं पे उसे रोक दो, कहते हो सर जी स्विचिंग के दरमियान, हाँ आपके स्विच जो हैं उनके दरमियान जो है ये लेयर टू टू की डिवाइसेज हैं, इनके ऊपर तो आई पी का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। ठीक है, तो आईपी जो है हमारे सारे वो होते ही राउटर्स के ऊपर हैं, लेयर थ्री की डिवाइसेस के ऊपर। हाँ, अगर आपका स्विच लेयर थ्री का है, लेयर थ्री स्विच है, देन आप आईपी उसके ऊपर कर सकते हो, अदरवाइज आप लेयर टू के ऊपर जो है ना आईपी को ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो सिंपल आपने अपने जहन में रखना है हमेशा। ठीक है, तो ट्रंक लिंक्स हमारे दो लिंक्स हैं, जो वो लिंक है जिसके ऊपर हमारी वी लैन मल्टीपल वी लैन जो है ना वो ट्रैवल करती है। नेक्स्ट में चले जाओ तो ट्रंकिंग के दो ही मोड होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर चलते हैं यहीं पर, मैं अगर डिस्कार्ड करता हूँ अपने इसको, हम लोग पहले VLANs की अगर कॉन्फ़िगरेशन जाके देखें, मैं जाता हूँ अपने उसके ऊपर राउटर पैकेट ट्रेसर के ऊपर। हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि मैं ठीक है इसको डिलीट करता हूँ, हम लोग एक छोटी सी VLAN की जो है ना वो लैब करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे एक कंप्यूटर है, हम लोग क्या करते हैं उसी तरह एक होस्ट इधर लगा देते हैं, एक होस्ट इधर, और ये दो होस्ट एक इधर कर देते हैं, ये होस्ट इधर कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग इसका जो है ना वो एक वी लैन कॉन्फ़िगरेशन की अभी छोटी सी एक लैब करते हैं। फॉर एग्जांपल ये चले गए यहाँ से फास्ट ईथरनेट वन के साथ, ये चले गए ये फास्ट ईथरनेट टू के साथ, और इसका फास्ट ईथरनेट इसके साथ, इसका फास्ट ईथरनेट फोर, चलो फाइव लगा फोर, हम लोग फोर लगाते हैं ताकि उसकी फोर हो। ठीक है, अब इसको हम लोग बाहर तो हम लोग चाहे हमारे आई पीज भी सेम हो, फॉर एग्जांपल इसको हम आई पी दे देते हैं, कंप्यूटर को दे रहा हूँ मैं, ठीक है 192.168.1.1, ठीक है इसको आई पी दे देते हैं हम लोग 192.168.1.2, ठीक है, और 192.168.1.3, ठीक है, और 192.168.1.4/ आपका कह लो कि 24। ठीक है, हमारा सिंपल एक क्लास सी के हमने, और सबनेट मास्क भी एक ही होगा इनका। फॉर एग्जांपल हम इसको देते हैं जनाब डेस्कटॉप में जाकर मैं आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ 192.168.1.1, ठीक है ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 2 192.168.1.2,
ठीक है, 24 bit हमारा मास्क, ये हो जाएगा 192.168.1.3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 192.1.4, ठीक है। अब अगर है नहीं नहीं वो स्लैश इधर नहीं देनी, वो तो मैंने नोटेशन आपको बताई ना, वो सिंपल मैंने नोटेशन लिखी है कि सबनेट मास्क क्या बनेगा, अदरवाइज हमारा ये है ना, इन तीनों का क्लास सी का है तो 8 बिट ऑन होंगे ना, 8 8 8, 3 times 8 bit ऑन होंगे, पहले तीनों 255.255.255 तो 24 बिट बनेगा ना, ठीक है ना। ये वाला जो ये देखो 8 bit 8 bit 8 bit तो 24 बिट हो गया ना, तो वो मैंने नोटेशन आपको बताई। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखें कि हमारी मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, मैं PC4 के ऊपर हूँ, ठीक है, ये मेरा PC4 है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इससे मैं अब पिंग की कमांड लगाता हूँ जनाब, पिंग 192.168.1.1, ठीक है, तो वो रिप्लाई देखो आ रही है, ठीक है। हेलो, अच्छा जी, चलें जी, तो हम लोग ये हमने एक कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी सी बनाई थी, दो कह लो कि चार हमने यूज़र लगाए और एक स्विच लगाया, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो अगर मैं पिंग करूं, ये मैं अभी कंप्यूटर अपने कह लो कि फोर के ऊपर हूं, पीसी फोर के ऊपर, ठीक है, जिसका आईपी डैश फोर है, ठीक है, वहां से हमने पिंग किया तो वन के ऊपर से भी आ रही है रिप्लाई हमें, टू के ऊपर जाऊँगा पिंग तो टू से भी मुझे रिप्लाई आ रही है, ठीक है, और अगर मैं थ्री को करूँगा तो थ्री से भी मेरी रिप्लाई आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको VLANs को कॉन्फ़िगर कर दें, फॉर एग्जांपल मैं स्विच पे जाता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, हम लोग VLAN अगर कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको जाके थोड़ी सी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, अनेबल, ठीक है, शो VLAN, ठीक है, ब्रीफ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट VLANs बनती होती हैं वो एक वन होती है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सारे पोर्ट्स इसके अंदर एक्टिव होती हैं, उसके बाद ये कुछ डिफ़ॉल्ट सी बनती होती हैं, इनका यूजेज बिल्कुल कम ही होता है, यूज़ ही नहीं करते, लेकिन हमारी जो नई VLANs बनेंगी वो इनके ऊपर बनती हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वही ये चार पांच VLANs होती हैं, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नेटिव VLANs भी बनी होती हैं। अगर इनमें से कोई पोर्ट आपकी ट्रंक में चली जाए, जो ट्रंक होती तो वो यहाँ पे शो ना होती, क्योंकि हमारा भी स्विच एक ही लगा हुआ है, ठीक है, अगर दो स्विच लगे होते और उनके दौरान हमने एक पोर्ट 02 या 1 को ट्रंक बनाया होता इसमें, तो वो इधर शो ना करता, वो उधर चला जाता, ठीक है। तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट कह लो के पोर्ट थी जो ट्रंक हमारी एक्ट VLANs के अंदर है। तो सिंपल हमें कमांड लगानी होती है, जब भी मैं अगर जाता हूँ कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर जाकर VLAN हम करते हैं जी 24, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमें एक VLAN बना के दे देगा 24, और हम उसका अगर नाम देना चाहें तो हम नेम भी यहाँ से दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो नेम, ठीक है, आगे आप नेम जो है ना उसका कोई भी दे दो, हम कहते हैं सेल्स, ठीक है, एंटर कर दिया, हाँ कोई भी, मैं सर्कल के राइट करता हूँ, राइट करने के बाद मैं शो VLANs ब्रीफ करता हूँ, तो मुझे देखो एक 24 की उसने नंबर सेल्स की जो है ना बना दी, एक्टिव कर दी, और एक्टिव करने के बाद अभी इसके अंदर कोई भी पोर्ट हमारी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसके हमारा जो ये फास्ट 01 है, ठीक है, 1/1, ठीक है, हम इसको अगर अपना एक्सेस पोर्ट VLAN के अंदर ले जाएं 1 और 2 को, तो ये फिर हमारा 24 के अंदर चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं अपना VLAN 1 के अंदर कॉन्फ़िग, ठीक है, इंटरफेस ये फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, मैं फिर करता हूँ स्विच पोर्ट मोड, आगे चले जाओ आप एक्सेस, ठीक है, आगे आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, हम लोग करेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, ठीक है, पहले करना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और देन उसके बाद हमने करना है स्विच पोर्ट एक्सेस, अब VLAN, ठीक है, किस VLAN में डालना है आप नंबर दे दो 4। अब इस पहले मैं उस इंटरफेस के अंदर गया हूँ, ये फास्ट 0/1 के अंदर, ठीक है, उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया और देन आप स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर देकर आप उसको जो है ना वो इंटर कर दो, तो वो क्या करेगा कि स्विच पोर्ट उसके जो है ना वो हमारी उसके अंदर चली जाएगी। मैं सेव करके अगर आपको दिखाऊं शो VLAN ब्रीफ, ठीक है, तो ये देखो हमारी एक ये 1
ठीक है, वन पोर्ट हमारी किसके अंदर आ गई है, सेल वाले के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं अपनी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 वो चला गया, हम कहते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैन 24, ठीक है, ये भी चलेगी, करके राइट शो वी लैन ब्रीफ, तो ये देखो हमारी दो पोर्ट्स, ठीक है, ये वी लैन 24 में चलेगी। अब अगर देखो हम लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हम लोग इसका एक रेक्टेंगल सा लगाना होता है यहाँ पे होता है वो, अगर मैं शेप्स ये हाँ वो एम्बर अभी वी लैन चेंज हुई है ना, ठीक है, अब देखो ग्रीन हो गया, वी लैन चेंज हुई है तो वो क्या हुआ, ग्रीन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वी लैन 24 होगी, ठीक है, ठीक है, वी लैन 24, ठीक है, और दूसरी हमारी जो वी लैन है वो 21, वो सेम एक ही है, ठीक है, ये वाले ताकि आइडिया हो जाए, मैं ये वाले अब देखो वो हमारे वी लैन ये वी लैन अभी 1 के अंदर ही है, ठीक है, और ये वी लैन हमने जो नई बनाई है वी लैन 24 ये इसके अंदर चलेगा, ठीक है। अब मैं देखो अगर मैं इस वी लैन का ये वाला यूज़र जो है 3 वाला मैं इसके अंदर जाके इसको करता हूँ पिंग 192.168.1.1 जो इसके अंदर ही है, इसका अपना ही है, तो ये क्या करेगा, इसको तो पिंग करेगा, ठीक है, और अगर मैं जाके 3 को करूँगा 3 तो ये खुद ब खुद है, ठीक है, आपस में तो ये करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके 2 को करूँगा देखो 2 से रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि वो वी लैन डिफरेंट होगी, ठीक है। अब दोनों हर को वो अपने अंदर इसी तरह मैं अगर देखो हम लोग 4 को करें तो उसकी भी रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि वो डिफरेंट वी लैन में है और ये डिफरेंट वी लैन में है। इसी तरह हम लोग अगर इधर से इनको पिंग करें पिंग 192.168.1.1 तो ये भी रिप्लाई नहीं देगा, ठीक है, और इसी तरह हम लोग इसका जो 3 है उसको करें तो वो भी क्योंकि वो सेल्स जो वी लैन हमने बनाई है वो उससे बिलोंग है, ठीक है, लेकिन ये आपस का जो है इसका 2 को ये पिंग करेगा रिप्लाई आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा वी लैंस का है कि हम लोग वी लैंस को कैसे आपस में कर सकते हैं। अब इन दोनों को जब इंटर वी लैन राउटिंग हमारा राउटिंग का टॉपिक है उसमें जब जाएंगे एक राउटर को इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों का फिर आपस में कैसे डाटा कि ये भी पिंग कर सके वन जो है इसको और ये इसको कर सके तो वो फिर अलहदा हम उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। ट्रंक हाँ ट्रंक होता है वो हमारा ट्रंक लिंक होता है हाँ उसका भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मैं स्लाइड के ऊपर ट्रंक और आपको मैं क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे आओ तो ट्रंक के अब देखो ट्रंक के ऊपर हम अभी ट्रंक वाली लैब आगे बनाते हैं दो स्विचेस अब अलग अलग करके मैं दरमियान में दो स्विचेस लगा देता हूँ उसमें हम ट्रंक लिंक बना देते हैं, ठीक है। अब ट्रंक लिंक में ये होता है कि हमारे दो किस्म के प्रोटोकॉल जो है ना वो काम करते हैं ट्रंक, एक होता है ISL और एक होता है .1Q, ठीक है। कहता है जी इनका दोनों का अगर देखें तो क्या कहता है जी दी इंटर स्विचिंग प्रोटोकॉल ISL जो है वो सिस्को प्रॉपर्टी है यानी कि प्योरली सिस्को स्विचेस का है, ठीक है। स्विचो सिस्को के दो स्विच अगर आपस में लगाते हैं तो उन पे ISL चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है। और कहता है कि ऑब्वियसली इट कैन ओनली बी यूज बिटवीन टू सिस्को स्विचेस द इंटायर फ्रेम इज इनकैप्सुलेटेड बिफोर ट्रांसमिशन अक्रॉस द ट्रंक। इसका एक और फ़ायदा ये होता है फ़ायदा भी है और ड्रॉबैक भी है कि इनकैप्सुलेशन इसके ऊपर होती है क्या इनक्रप्टेड फॉर्म में डाटा को वो भेजता है फ्रेम्स को, ठीक है, जिससे दरमियान में अगर कोई स्निफर या उसमें से कोई चीज़ लेना भी चाहे कोई हैकर तो वो उसको ले भी ले तो कोडिंग फॉर्म में होगा उसको समझ ही नहीं आई, ठीक है। इनकैप्सुलेशन उसके ऊपर ऑन होती है। इसके बरक्स अगर देखें IEEE 802.1Q या उसे जनरली हम कहते हैं .1Q, ठीक है, यही इसी का नाम है .1Q, ठीक है। तो अगर कोई कहे जी 802.1Q तो वो कहे जी सेम .1Q, ये एक ही दो चीज़ें हैं लेकिन वो ज़्यादातर जाना जाता है इस नाम से, ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल है इज़ दी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। आपके एक अगर स्विच जो है वो 3COM का है एक सिस्को का है तो इस पर चल सकता है कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इफ अ नॉन सिस्को स्विच इज इन्वॉल्व इन ट्रंक दिस इज द ट्रंकिंग प्रोटोकॉल टू यूज .1Q डज नॉट इनकैप्सुलेट द इंटायर फ्रेम। ये पूरे फ्रेम को जो है ना वो इनकैप्सुलेट नहीं करता, ठीक है।
ये जो आपका ट्रंक है, सही, आपका A2Q डॉट का, ठीक है, इसके ऊपर 8 20, इसका 4 byte का हैडर होता है, वो आगे फिर आप ईथरनेट हैडर इंडिकेट दी वैल्यूज VLANs टू विच दी फ्रेम इज इंटेंटेड, आपकी जो है कि वो ऊपर हैडर के ऊपर एक 4 byte का हैडर डालता है, वो बताता है कि ये फ्रेम अगर जा रहा है तो किस VLAN से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सेकंड 8.1Q जो हमें उसमें वो देता है। सेकंड की डिफरेंस जो इसका अगर मेन मेजर देखो तो कहता है जी की डिफरेंस बिटवीन द टू इन दिस वे दे हैंडल आर डू नॉट हैंडल द नेटिव VLANs बाय डिफॉल्ट, द नेटिव VLAN इज, जो डिफॉल्ट VLANs बनती हैं उन्हें नेटिव VLANs भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी वन बनी हुई थी VLAN 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बनी हुई थी तो वो तो हमारी नेटिव VLAN है, ठीक है। तो कहता है जी आपका जो की डिफरेंस बिटवीन द टू इज द वे दैट हैंडल, कि किस तरह ये हैंडल करते हैं और नहीं हैंडल करते, किन को, ये VLANs को, नेटिव VLANs को, बाय डिफॉल्ट द नेटिव VLAN इज VLAN 1, द नेटिव VLAN इज द डिफॉल्ट VLAN, जो भी डिफॉल्ट VLAN बनती है वो आपकी नेटिव VLAN होती है, ठीक है। व्हेन डॉट 1Q is ready to transmit a frame destination for a native VLAN over the trunk, the protocol will not put that 4-byte header on it, the frame. कहता है कि जब आपका इस native VLAN के frame को .1Q जो protocol है वो send करता है तो उसके ऊपर अपना header नहीं डालता, उसको पता चल जाता है ये native VLAN है, मुझे header डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी traffic जो है वो slow नहीं होती, हमारी ट्रैफिक के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता, जो फ्रेम जाता है वो एक्स्ट्रा हैवी नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन इसके बरक्स अगर आइए इससे तो देखें तो ISL है वो क्या करता है, वो इसके ऊपर अपनी इनकैप्सुलेशन करता है, फलाना करता है, टींगना, जो चक्कर उसने करने होते हैं वो करेगा ही करेगा, चाहे वो नेटिव VLAN है चाहे दूसरी है, ठीक है। तो नेटिव VLANs क्योंकि स्विचेस के दरमियान घूमती रहती हैं, उन पे हमें एक्स्ट्रा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें होते हैं, हमने चूज़ करने होते हैं, जब भी हम ट्रंक को लगाते हैं ना तो हमें डिसाइड कर लेते हैं हमने डॉट वन क्यू लगाना है या दूसरा लगाना, ठीक है, तो हम वो इजीली कर लेते हैं। कहते हैं दिस हेल्प्स टू कट डाउन इवन मोर मोर ऑन अ ओवरहेड, तो ओवरहेड जो है ना वो डाउन आपका कहना है कि वो डाल देता है इसके ऊपर। कंक्लूजन अगर हम इनका कह रहे हैं कि मेन डिफरेंस कंक्लूजन के अगर सिंपल समरी में देखें तो कहता है जी ISL इज़ अ, इसको ये अगर पूछता है यार नॉर्मल लफ्ज़ों में मुझे बता दो ISL या डॉट वन क्यू में क्या डिफरेंस है, हम बता सकते हैं कि यार ISL जो है वो सिस्को का प्रोटोकॉल है, प्रोप्रायरिटी है, प्योरली सिस्को के स्विचेज ही इसके ऊपर चलते हैं, और भी स्विच अगर दाखिल करेंगे अंदर तो उसके ऊपर ये ISL चलेगा नहीं। ISL ये इनकैप्सुलेशन करता है एवरी फ्रेम की, ठीक है, जो भी ट्रंक के ऊपर से कोई भी फ्रेम जो है ना वो पास होगा उसके ऊपर ये इनकैप्सुलेशन करेगा, और इसे रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं होती, ये रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकता कि ये जो VLAN आ रही है ये नेटिव VLAN, ठीक है। इसके बरक्स अगर डॉट वन क्यू इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, प्लेस ओनली अ 4-byte हैडर ऑन टू अ फ्रेम एंड वुड नॉट इवन डू वुडेंट इवन डू दैट इफ़ द फ्रेम इज डिस्टिंक्ट फॉर द, आप कह लो कि नेटिव VLAN का, वो उन VLAN उन फ्रेम्स के ऊपर वो हैडर नहीं डालेगा जो उसे पता चल जाता है कि VLAN की नेटिव VLANs की है, ठीक है। तो ज़्यादातर रिकमेंडेशन लोग इसी को करते हैं डॉट वन क्यू को, एक तो दूसरे स्विचेज भी आपके लगे हैं तो उनके साथ भी मैच करता है, और दूसरा ओवर हेड भी नहीं डालता, और तीसरा यह कि नेटिव VLANs को भी इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हाँ ISL हमेशा जो भी किसी भी फ्रेम VLAN 1 का आए, 2 का आए, 3 का आए, सेल्स का आए, डिपार्टमेंट किसी की भी VLANs का है, वो फ्रेम आए उसके पास, उसने उसके ऊपर इनकैप्सुलेशन करनी करनी, ठीक है। हाँ, उसे नहीं पता चलता ये फ्रेम जो VLAN की फ्रेम आया ये नेटिव VLAN का फ्रेम है या दूसरी नॉर्मल VLAN का फ्रेम है, लेकिन डॉट की वन क्यू वो रिकग्नाइज करता है, उसे पता है कि ये जो VLAN आ रही है ये कौन सी है, ये नॉर्मल VLAN किसी सेल VLAN की आ रहा है पैकेट फ्रेम आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर जनाब 4 byte का हेडर डाल देना है, जनाब ये जो है ना VLAN सेल्स की है, ये लो इसके ऊपर हेडर। लेकिन जब वो VLAN 1 का आता है नेटिव VLAN तो वो कहता है अच्छा मुझे इस पर डालने की ज़रूरत नहीं है, जाओ भाई, ठीक है, तुम हो ही नेट। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का, तो ज़्यादातर डॉट वन क्यू को लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कहता है जी सिस्को स्विच पोर्ट कैन बी अ सेक्स पोर्ट, और दो ही मूड मैंने आपको जैसे पहले बताए, या तो एक स्विच सिस्को स्विच पोर्ट की जो उसकी पोर्ट है स्विच की, या तो एक्सेस पोर्ट हो सकती है या ट्रंक पोर्ट हो सकती है। एक्सेस पोर्ट वो जिसके थ्रू हम लोग एंड डिवाइसेस लगाते हैं, यूजर्स वगैरह के पीसी, और ट्रंक पोर्ट हमारी वो जो स्विचेस के दरमियान चलती है, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाओ तो आगे आ जाती है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, DTP जिसे हम कहते हैं। एक तो हम स्टैटिकली बताते हैं ना कि ये स्विच पोर्ट एक्सेस मोड ट्रंक, ठीक है, ये हम जाके स्टैटिकली करते हैं।
एक होती है डायनामिक के तौर पर, ठीक है, कि स्विच जैसे वो ट्रंक आपस में लगें तो उन्हें पता चल जाएगा यार ये जब लाइनें आपस में कनेक्ट वो होंगी, कनेक्शन हम बनाएंगे तो उन्हें हम एक DTP ऑन कर दें तो हम पता चले मूड कि यार ठीक है ये उन्हें एक दूसरे के साथ तो हम एक पोर्ट को अगर ऑटो कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, डिज़ायरेबल कर देते हैं, निगोशिएटेड कर देते हैं, तो बता देगा कि यार ठीक है हम लोग ट्रंक बना लेते हैं जो डायनामिकली ट्रंक बनते हैं, ठीक है। ये दो स्विचेस की आपस के दरमियान में कम्युनिकेशन है, उसके तहत नेगोशिएशन के तहत वो करते हैं। तो इनके पांच ही ऑपरेशन है, ठीक है, या तो पोर्ट आपकी ट्रंक वाली साइड जो है वो ऑन होगी या ऑफ होगी, या ऑन हम स्टैटिकली जब देते हैं तो ऑन करते हैं कि स्विच पोर्ट मूड ट्रंक, ठीक है, ऑन कर दिया, और ऑफ उस वक्त सूरत में होती है जब हम स्विच पोर्ट मूड एक्सेस करते हैं किसी यूज़र को लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऑटो आ जाती है, डिज़ायरेबल आ जाती है, नेगोशिएशन आ जाती है। अगर इनको वन बाय वन देखें तो ऑन में हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, स्विच पोर्ट अगर इस पोर्ट को हम ऑन कर देते हैं तो कहता है आई एम ट्रंकिंग ऑन दैट पोर्ट वेदर यू लाइक आर नॉट। ये स्विच क्या कहता है, इसके ऊपर हम कहते हैं ना स्विच पोर्ट मूड एक्सेस, आगे हम करके कहते हैं ये ट्रंक पोर्ट है, हम खुद ट्रंक ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्विच क्या कहता है, दूसरे जितने भी स्विचेज ये इधर लगे हैं इसके साथ ये स्विच लगा है इसकी, ये कहता है मैं इस पोर्ट को जो है ना एज ए ट्रंक चला रहा हूँ, तुम एक्सेप्ट करो ना करो, ये तुम्हारी हेडेक उधर है, मैं इसको जो है ना वो ट्रंक कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला स्विच कहता है। इसके बरक्स अगर ऑफ करें तो कहता है ये आई एम नॉट ट्रंकिंग विद यू नो मैटर व्हाट यू से। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, ट्रंक पोर्ट मोड एक्सेस कर देते हैं, तो वो हम इसके ऊपर अगर कंप्यूटर लगाना चाहते हैं तो वो दूसरा कोई भी स्विच जो है वो अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो कहेगा तुम जो मर्जी कहते रहो, तुम ट्रंक चलाओ जो मर्जी कहो, लेकिन ये मेरी वाली जो पोर्ट है ये ट्रंक नहीं है, इसके ऊपर ट्रंक ऑफ है, ठीक है। इसके बरक्स आगे चले जाएं तो हमारा आ जाता है डिज़ायरेबल, कहता है आई लाइक टू फॉर्म अ ट्रंक। इसमें वो क्या कहता है, कहता है कि मेरी अगर ये पोर्ट हम इसको इसकी ऑप्शन मूड जो है वो डिज़ायरेबल कर देते हैं, ठीक है, ये मूड आप सेट कर सकते हैं पोर्ट के ना अंदर जाके, स्विच पोर्ट मूड के उसके डिज़ायर वो हम देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये होता है कि ये क्या कहता है, कहता है कि यार अगर तुम भी डिज़ायरेबल हो तो आओ हम मिलकर ट्रंक बना लेते हैं, ठीक है, या तुम ऑटो हो तो तब भी आओ मिलकर, वन साइड अगर डिज़ायर है वन ऑटो है तब भी ट्रंक बना लेंगे, दोनों डिज़ायरेबल है तब भी ट्रंक बना लेंगे, ठीक है। तो ये डिज़ायरेबल का कहता है कि जी हम, क्योंकि ये डायनामिकली चूज़ करना होता है स्विचेज ने आपस में कि हमने ट्रंक बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है, इसी तरह ये डिज़ायरेबल का ऑप्शन है। आगे चले जो ऑटो, तो ऑटो कहता है कि जी आई विल ट्रंक विद यू बट यू गोटा आस्क फर्स्ट। वो क्या करेगा कि पहले वो कहेगा कि अच्छा जी मैं जो है ना वो ऑटो है मेरा, हाँ तुम मिलकर आओ हम ट्रंक बनाना चाहें, क्या तुम पसंद करोगे ट्रंक बनाना, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो देन ट्रंक बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाँ ये ट्रंक बन, मसलन क्या आपका क्वेश्चन क्या है, नहीं ये पोर्ट जो होती है ना दोनों साइडों पे ट्रंक हमने करना होता है, ऑन करना होता है, ठीक है, अगर ऑन दोनों साइडों पे कर देंगे, इस पे भी जाके ऑन कर दिया इस पोर्ट को, इधर भी जाके हमने ऑन कर दिया, तो वो तो ट्रंक हमने खुद बना दिया, ठीक है। तो वो इस तरह वो डायनेमिक ट्रंकिंग TDP जो हमारा है ना, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल DTP, ठीक है, उसमें फिर हमने अगर ऑप्शन अगर रखे हुए हैं तो मैं उसके दरमियान बता रहा हूँ कि क्या काम होगा, प्रोटोकॉल क्या काम करेगा ट्रंक बनाने, ठीक है। लेकिन वो कहता है जी एक नोट करें कि अगर दोनों साइड आपकी बोथ ऑटो होगी ना तो ये ट्रंक कभी नहीं बनाएंगे, अगर ये पोर्ट का भी जो मूड ऑप्शन है ऑटो है, ये भी ऑटो है, तो ये कभी बनाएंगे, क्योंकि ऑटो का ये सिस्टम होता है कि वो पहले बताता है, ये वही बात है कि अगर गली में हम लोग जा रहे हैं तो एक जगह पे फॉर एग्जांपल ढोल बज रहा है तो एक लड़का कहता है दूसरे को कि हाँ तुम डांस करोगे, वो कहेगा यार अच्छा चलो ठीक है मैं डांस करता हूँ, तो तब ठीक है, ठीक है। तो अगर अब देखो अगर दोनों ये बैक वक्त एक लड़का उसको कह रहा है तुम डांस करो, वो कहेगा तुम डांस करो, दोनों पूछ ही रहे हैं एक दूसरे से, तो कर रहे ही नहीं रहे तो ट्रंक बनेगा ही, ठीक है। तो ये ऑटो का भी एक ऑप्शन होता है कि यार इसमें ट्रंक का नहीं बनता। नेक्स्ट में चले तो वील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है हमारा एक VTP, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे थे दो स्विचेस के दरमियान, फॉर एग्जांपल हमारा एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, ठीक है, इसके दरमियान एक जो लिंक है वो ट्रंक है, ठीक है। हमने इन दोनों को बता दिया ट्रंक, यार ये हमारी VLAN, तो इनको पता है यार कि इस साइड पे मेरी VLAN 1 लगी है, 2 लगी है, 3 लगी है, इस स्विच को भी पता है मेरी VLAN 1, 2 और 3 के मेंबर ये हैं। लेकिन उस स्विच का क्या होगा जो इन दोनों के दरमियान में लगा, उसको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना पास करने के लिए, ठीक है। ये तो इधर करेगा कि ये VLAN जो है ना 1 का आ रहा है पैक फ्रेम, तो इसके पास आ जाएगा, अब ये फ्रेम इधर से पकड़ेगा, आगे कैसे सेंड करेगा जब तक इसके पास इन्फॉर्मेशन ना हो,
ठीक है, तो दरमियान वाले स्विच, तो जब हमारे 4, 5, 6, 10 स्विचेस आना शुरू हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा, तो हमने उसके ऊपर फिर हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसे हम VTP प्रोटोकॉल कहते हैं, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, हम वो चलाते हैं, जिसमें एक हम सर्वर बना देते हैं एक स्विच को, बाकी क्लाइंट बना देते हैं, तो जो चेंजिंग या VLANs हम बनाते हैं वो सर्वर पर ही बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्लाइंट मोड में हमारी फिर बनती नहीं है, तो उसके थ्रू फिर इन दोनों को, इनको आपस में पता चलता रहता है, अपडेट अपनी डेटाबेस एक बनाते हैं और वो डेटाबेस को अपडेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल VTP कंपोनेंट्स में देखें तो VTP के 3 मोड होते हैं, ठीक है, एक आपका सर्वर मोड होता है, एक आपका क्लाइंट मोड होता है और एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है, ठीक है, ये बहुत सारे जब स्विच आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ना इस तरह, ठीक है, तो देन हमें VTP की ज़रूरत पड़ती है। कहता है यह स्विच कैन बी कन्फिगर इन वन ऑफ 3 मोड्स, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। अगर हम इनका डिफरेंस देखें VTP मोड्स का, तो पहले अगर हम देखें सर्वर मोड को, तो सर्वर मोड क्या होता है, कहता है जी VTP सर्वर मोड एडवर्टाइज दी VTP डोमेन, हम इसमें एक डोमेन बनाते हैं, अभी मैं इसका हम लैब करते हैं तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। कहता है VTP डोमेन VLAN इन्फॉर्मेशन टू अदर VLAN enable switches in the same VLAN domain। एक ही डोमेन के अंदर आपका जो सर्वर है वो एडवर्टाइज करता है VLAN की इन्फॉर्मेशन कि इतनी VLANs मेरे पास हैं, आप लोगों के पास क्या इतनी VLAN हैं, सर्वर के ऊपर हमने फॉर एग्जांपल 3 थी तो उसने एडवर्टाइज किया सब स्विचेस को कि जी 3 VLAN ये VLAN है, सब ने अपना डेटाबेस अपडेट कर लेनी, अच्छा जी 3 VLANs हैं ये है, ठीक है। अगर हम सर्वर के ऊपर एक और VLAN 4 बना देते हैं तो VLAN 4 क्या करती है कि वो सर्वर क्या करता है फिर एडवर्टाइज करता है, वो कहता है जी हाँ जी ये VLAN अब मेरे पास 4 हो गई हैं, आप लोगों के पास 4 हैं, सब देखेंगे ओ हमारे पास तो 3 हैं, वो भी 4 कर लें, ठीक है। तो ये करते किस तरह है, वो एक रिवीजन कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होता है, जैसे ही वो नंबर हायर होता है तो दूसरे नंबर्स के साथ शेयर होते हैं तो वो मैच करते हैं, तो हमेशा हर स्विच हायर नंबर को एक्सेप्ट कर लेता है, लोएस्ट को फेंक देता है, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, वो एडवर्टाइज करता है आपकी VLANs को जो बनाते हैं इसके ऊपर, कहता है जी VTP सर्वर स्टोर दी VLAN इन्फॉर्मेशन फॉर एंटायर डोमेन जो NV RAM के अंदर होती है, जैसे आपको नॉन वेलेंटाइज जो आपकी हमारी RAM होती है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो वो इसके ऊपर इसके अंदर बनाता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। कहता है दी सर्वर इज़ वेयर VLAN कैन बी क्रिएटेड, सर्वर वो होता है जिसके ऊपर आपकी VLAN क्रिएट हो सकती हैं, आपकी जो डिलीट हो सकती हैं VLAN, उसे रीनेम कर सकते हैं और डोमेन को फॉर दी डोमेन, ठीक है। ये तीनों हमारे काम सर्वर मोड के ऊपर होते हैं, अगर हमने स्विच का जो VTP मोड है वो सर्वर रखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चले जाएं, वो कहता है जी सेकंड मोड आ जाता है आपका क्लाइंट का, ठीक है, VTP क्लाइंट मोड। कहता है VTP क्लाइंट फंक्शंस द सेम वे एज VTP सर्वर बट कैन नॉट क्रिएट चेंज और डिलीट VLANs ऑन VTP क्लाइंट। कहता है सारा कुछ उसी तरीके से करता है आपका क्लाइंट मोड भी, लेकिन हम क्लाइंट के ऊपर ना VLAN बना सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब VTP क्लाइंट ओनली स्टोर द VLAN इन्फॉर्मेशन फॉर द एंटायर डोमेन वाइल द स्विच इज ऑन, ठीक है। अ स्विच रीसेट डिलीट द VLAN इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट कन्फिगर VTP क्लाइंट मोड ऑन अ स्विच। नेक्स्ट पे चले जाओ तो थर्ड ऑप्शन क्या है, वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट मोड। इसे कोई गर्ज नहीं होती जनाब, इसकी जो हमने आपने बनाया, कहता है ट्रांसपेरेंट स्विच फॉरवर्ड VTP एडवर्टाइजमेंट टू VIP VTP क्लाइंट्स एंड VTP सर्वर, ठीक है, ये भी अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता है। कहता है ट्रांसपेरेंट स्विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन VTP, इनका कोई हिस्सा नहीं होता VTP डोमेन के अंदर। VLAN आर दैट क्रिएटेड रीनेम आर डिलीटेड ऑन ट्रांसपेरेंट स्विचेज, दे आर लोकली दैट स्विचेज ओनली। हम ट्रांसपेरेंट मोड के जितने स्विचेज हैं इनके ऊपर अगर VLAN बनाएंगे, डिलीट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये इनका लोकल मैटर होगा, ये दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, पूरी डोमेन के अंदर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट मोड का जो है ना वो कह लो कि ऑप्शन है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो हम इसमें मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं, ये तो था हमारा थोड़ा सा कह लो कि डिटेल्स कॉन्सेप्चुअल व्यू के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि होता क्या क्या है। सिंपल अगर हम चलें अपना मैं चलता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ इसको और चलते हैं हम लोग लैब बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको बल्कि बंद करके हम लोग नए सिरे से एक ट्रंकिंग के हिसाब से लैन बनाते हैं, इसका बनाते हैं सारा लैब, ठीक है जी। ये मेरी लैब आ गई, इस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2 स्विच यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या करें उसके ऊपर ट्रंक भी चला सकें, ठीक है। ये 2 स्विच आ गए और हम लोग बजाय के 2 कंप्यूटर इस पर कर देते हैं और 2 ही हम लोग इस पर कर देते हैं, ठीक है। मैंने अब कनेक्शन जो लगाने हैं
ये मेरा स्टेट केबल्स लगेंगी स्विच टू पीसी। हम ऐसा करते हैं कि बल्कि इसकी जो वन है ना पोर्ट उसको रिजर्व कर लेते हैं ट्रंक के, ठीक है, टू के साथ हम जो है पीसी लगाते हैं इधर से इसके टू के साथ और ये थ्री के साथ, थ्री के साथ, और ये क्रॉस ओवर लगा के स्विच टू स्विच इसके वन के साथ, इसके वन के साथ हम ट्रंक का एक जो कनेक्शन अभी बना देते हैं, ठीक है। और हम लोग करते हैं जनाब ये हमारा इधर से वन, ये टू के साथ इसके लग जाएगा और ये थ्री के साथ इसके लग जाएगा इधर, ठीक है जी। अब ये हमारे कंप्यूटर, हम लोग आईपी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको दे देते हैं 192.168.1.1, वन कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 192.168.1.2, ठीक है, इसको कर देते हैं 192.168.1.3, ठीक है, और इसको कर देते हैं 192.168.1.4, ठीक है जी। ये हमारे पीसी होगा और ये 1-1 हमारा ट्रंक लिंक होगा। अब हम क्या करते हैं, हम लोग सिंपल इनकी कॉन्फ़िगरेशन में करता हूँ, ये आ गए जनाब आईपी 192.168.1.1, ठीक है, ये भी आ गया हमारा डेस्कटॉप 192.168.1.2, ठीक है, ये 3 आ गया हमारा पीसी 192.168.1.3, ये आ गया हमारा 3, और ये आ जाएगा हमारा 4 जनाब इसकी ये आ गया 192.168.1.4, ठीक है जी, ये आ गया। अब एक तो चीज़ ये मेरा 1 है, मैं अपना स्विच 1 है, स्विच 0 कह लो, ठीक है, ये स्विच 0, इसका मैं जाके सिंपल अनेबल शो VTP स्टेटस, ठीक है, VTP स्टेटस को अगर हम चेक करें, वो अभी जो हमने VTP ट्रंक पढ़ा है, मैं इंटर करता हूँ तो आप देखो VTP स्टेटस, एक तो बता रहा है VTP वर्जन 2 चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है इसका, 0 है अभी, कोई इसके ऊपर हमने VLAN नहीं बनाई, मैक्सिमम VLAN 25 बन सकती, 255 बन सकती हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट वही 5 है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और इसका VTP अभी जो मूड देखो क्या है, ऑपरेशन मूड क्या है, सर्वर, ठीक है, तो ये VTP जो ऑपरेशन मूड इसका सर्वर है। आगे फिर ये 4-5 चीज़ें जो हमारी कह लो कि रिलेटेड है CCNA से, आपने इनकी तरफ गौर करना। अब क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाता हूँ, ठीक है, हम लोग करते हैं जी VTP मूड, ठीक है, वही तीनों मूड आ गए मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको करता हूँ जनाब सर्वर, ठीक है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, सर्वर होता है, ठीक है, और मैं इसको अगर करता हूँ क्लाइंट, ठीक है, वो कहता है जी सेटिंग डिवाइस टू VTP क्लाइंट मूड, ठीक है, और अगर अब मैं यहाँ पे VLAN करता हूँ जी 24 इंटर, वो देखो क्या मैसेज करेगा, वो कहेगा जी VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मूड, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसको वापस हम लोग सर्वर मोड में कर देते हैं, अप करके सर्वर इंटर, ठीक है जी, हमारा सर्वर मोड में चला गया, हम VTP यहाँ पे जाके डोमेन भी सेट कर लेते हैं, ठीक है, VTP डोमेन, हम नाम रखना है डोमेन का कोई भी नाम रख दो, CCNA कर देते हैं, ठीक है, VTP डोमेन का हमने नाम CCNA कर दिया, इंटर कर दिया, कहता जी चेंज VTP डोमेन नेम इज़ टू एंटर, और ये आपका नल टू CCNA हो गया, ठीक है जी। हमारा हम लोग अब करें, अगर मैं एग्ज़िट करता हूँ, राइट करता हूँ शो VTP स्टेटस, अब देखो डोमेन उसने क्या कर दी CCNA और सर्वर मूड है। अब इसके ऊपर जो है ना वो हम लोग अपना कह लो कि VLANs बना सकते हैं, मैं जैसे कॉन्फ़िगरेशन में जाके VLAN हम बनाते हैं जी 24, ठीक है, और नेम दे देते हैं सेल्स, ठीक है, ये मैंने बना दिया, मैं एग्जिट करता हूँ ओके, ठीक है, अब मैं कहता हूँ शो VLANs, उसने VLAN भी हमें बना दी 24, ठीक है, और क्या किया
और उसने हमें, अगर मैं VTP status हम लोग देखें, show VTP status, ठीक है, वो हमारा CCNA है और सर्वर है, और रिवीजन नंबर देखो क्या हो गया, 2 हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन। अब ये मेरा इधर 2 रिवीजन नंबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ये वाली जो है ना, इसको हम ट्रंक कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ये पोर्ट फास्ट जो है ना 01, मैं इसको कर देता हूँ ट्रंक, ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/1 01, ठीक है, यही पोर्ट है ना, एंटर चले गए। अब करते हैं स्विच पोर्ट मोड, ठीक है, ट्रंक, ठीक है, एंटर। अब देखो, अब एम्बर होगी, चेंज होगी और ट्रंक बनेगा, ठीक है। लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस हैज़ बीन डाउन, वो चेंज करेगा, उसको एम्बर में चला गया, अब वो सारा ट्रंक का चेक कर रहा है। अब देखते हैं होता क्या है, 2 मिनट देखो, उधर भी क्या है, एम्बर हो रही है, इधर भी क्या है, एम्बर है, ये इधर भी एम्बर है, इधर भी एम्बर है। अगर आप थोड़ा सा और वेट करो, फिर देखो इस पर होता क्या है, ऑन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इसके ऊपर, ठीक है, ये चले गए, अगते एनेबल, ये स्विच वन है हमारा, ठीक है, शो VTP स्टेटस, ठीक है, इसकी देखो डोमेन CCNA आ चुकी है, ठीक है, ट्रंक होने की वजह से कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, रिवीजन नंबर क्या है, 2 हो गया, ठीक है। और हम लोग अगर देखें, शो इंटरफेस फास्ट 0/1, ठीक है, शो रनिंग, अगर हम 1 को देखें तो ये यहां पे हमारा ये वाला पोर्ट, ये ट्रंक में चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन हमने इधर ट्रंक किया नहीं, क्योंकि हमने बाय फोर्स उधर किया था, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर देखो, या ऑटो या डिजायरेबल में आपकी पोर्ट होती है, तो मैंने क्या था, अगर ऑन करें तो दूसरा ऑटो या डिजायर है, तो वो आराम से उसको क्या करेगा, कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है। तो हम अपने स्टैटिकली भी इसको कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड, ठीक है जी, ट्रंक, एंटर कर दिया, ठीक है, वो क्या करेगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया। हम लोग जाते हैं, शो रनिंग करते हैं, कॉन्फ़िग, तो हमारा देखो उसने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। और अगर मैं देखूं अब यहाँ पे आकर, आपका चाहे आप एक सर्वर रहने दो, चाहे दोनों सर्वर रहने दो कंप्यूटर को, शो VTP स्टेटस, दोनों को आप, अगर आपने सर्वर रखने दिया, तब भी वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, राइट। अभी देखो, तब भी शेयर करेंगे, शो VLAN करूं तो देखो मेरी VLAN इसमें आ चुकी है, मैंने इधर बनाई नहीं है, बनाई हमने सर्वर के ऊपर थी, ठीक है, तो वो इधर हमारी VLAN इजीली आ चुकी है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे कि हमारा जो सर्वर था, फॉर एग्जाम्पल अभी इस मैं 1 के ऊपर अगर आपको दिखाऊं, शो VTP स्टेटस, तो देखो रिवीजन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अगर हम, ये भी हमारा सर्वर है, हम इसके ऊपर अगर VLAN है और बना देते हैं, मैं कहता हूँ जी कॉन्फ़िगरेशन T VLAN 25, ठीक है, नेम अकाउंट्स, ठीक है, मैंने वो बना दी, ठीक है, मैं शो VTP स्टेटस करता हूँ, तो देखो कन्फ्यूजन नंबर क्या हो गया, 4, एक जो है VLAN बनाने का और एक नंबर हमने नाम उसको दिया, ठीक है, 2 उसने चेंजिंग हुई हमारी VLANs के अंदर, तो 2 उसने इसके इंक्रीमेंट कर दिए, ठीक है। और इसी तरह ये इंक्रीमेंट देखो, अगर मैं दूसरे स्विच पे जाके शो VTP स्टेटस, तो कर ये देखो इधर भी क्या हो गया, रिवीजन नंबर 4 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, हाँ सेम वही चीज़ है, रेप्लिकेशन आपस में हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो, अब दोनों वो VLAN मैंने उधर बनाई थी, ये इधर भी आ गई हमारी अकाउंट्स की, ठीक है। तो ये हमारा कह लो कि VLAN का जो है वो सारा था, शो और कुछ कमांड है VTP, आप और अगर देख लो कमांड्स यहाँ पे,
पासवर्ड वो कहेगा CCNA आपका नॉट कॉन्फ़िगर्ड। हाँ VTP के ऊपर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं क्योंकि आपके VTP को चेक ही ना करें, ठीक है। शो VTP और कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कमांड्स हैं हमारी CCNA की टॉपिक, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सारी स्टेटस की हमने देखी, काउंटर की स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। नो प्रूनिंग, अभी प्रूनिंग ऑन नहीं की, प्रूनिंग भी हमारा वो होता है कि हम लोग आगे भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूनिंग के बारे में, चले मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। प्रूनिंग वो होती है कि हम इस ट्रंक लिंक के ऊपर ना प्रूनिंग ऑन कर देते हैं, जब प्रूनिंग ऑन हो जाएगी तो क्या करेगा कि उससे जो रिलेटेड VLANs है ना दूसरे स्विच को चाहिए वही जाएंगी, बाकी सब की इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, हाँ डिस्कार्ड कर जाएगी, तो एक्स्ट्रा जो है ना वो बर्डन हमारे ट्रंक्स पे पड़ता नहीं है, तो प्रूनिंग हम उस तरीके से भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इंटरफेस फास्ट O1 स्विच पोर्ट, ठीक है आपका कर लो जी मोड, ट्रंक करेंगे तो वो डायरेक्ट ट्रंक हो जाएगा, ठीक है। मोड हम लोग करते हैं जी एक्सेस, ठीक है। VLAN के अंदर डालना हो तो हम लोग एक्सेस VLAN आगे दे के वो कर देते होते हैं, ठीक है। मोड एक्सेस करना हो वो पहले हमने उसकी टेंशन लेनी है, उसको एक्सेस की तरफ ले जाना है, तो ये कमांड्स आपको जो है ना वो जब तक करोगे नहीं लैब आपके जेहन में नहीं आएंगे। पोर्ट सिक्योरिटी मैंने आपको कराई थी, ये मैं इंटरफेस के अंदर आपको इंटरफेस की दिखा रहा हूँ, VTP की नहीं है, ठीक है। शो VTP स्टेटस, शो की अच्छा जितनी कमांड्स है ना शो की वो आपकी आपका बैक वाले ये हैश वाले जो है ना इसमें चलती हैं प्रिविलेज मोड में, कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड में जितनी शो की कमांड्स हैं वो यहाँ पे चलेंगी, शो VTP स्टेटस, तो वो हमारा पूरा स्टेटस यहाँ से हमें दिखाएगा VTP, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन टी हम कहते हैं डू शो VTP स्टेटस, तो ये क्योंकि ये लिमिटेशन है हमारे राउटर की, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर भी हैं ना तो हम डू की कमांड लगाकर भी शो चेक कर सकते हैं, अगर ओरिजिनल राउटर का भी उस पर ट्राई करना है उसके ऊपर डू लगा के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में भी शो की कमांड्स आप देख सकते हो, पहले डू लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा VTP हो गया, ट्रंकिंग हो गया, था जनाब शो रन, ठीक है। और इसी तरह हमने अगर वो स्विचेस डालनी, ये मैं स्विच जीरो के ऊपर हूँ तो हमारी दो पोर्ट्स हैं जिसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर डालना है, तो हम लोग बात का यह है कि वो एक कमांड होती है रेंज की, ठीक है, रेंज हम बजाय कि हम लोग चार पांच एक एक करके सबको डालें, ठीक है, तो हम रेंज भी बता सकते हैं कि यार इस रेंज की जितनी है ना वो कह लो कि रेंज को इस्तेमाल करते हुए वो डायरेक्ट जो है ना वो ये तीन चार पाँच पोर्ट्स को इकट्ठा जो है ना वो VLAN के अंदर डाल दें, ठीक है। तो वो हमारी स्विच पोर्ट रेंज की जो कमांड है ना वो कुछ इस तरह है कि हम लोग अगर जाएं, अगर हमारा कह लो कि ये हम स्विच वन पे हैं, हम लोग जाते हैं कॉन्फ़िग इंटरफेस रेंज, ठीक है, फास्ट ईथरनेट नंबर कहता है दो, हम कहते हैं जी ज़ीरो से लेकर ज़ीरो टू से लेकर थ्री तक, इंटरफेस की रेंज है। अब देखो मैं पहले एक इंटरफेस को हमने एक एक को करके डाला था ना, अब मैं इकट्ठी, अब देखो हम कहते हैं जी 15 लोग हैं इस या 48 पोर्ट का स्विच है, 48 पोर्ट का, ठीक है। हम कहते हैं जी ये 20 बंदे जो है ना ये हमारे VLAN 3 के हैं या VLAN 24 सेल्स के हैं, तो आप क्या करोगे एक एक VLAN को एक एक इंटरफेस को VLAN में डालना करोगे, पीछे आओ इंटरफेस में जाओ फिर करो, आप सिंपल इधर से रेंज की कमांड लगाओ इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट, ये 0 से 2 से ये 3, ये क्योंकि दो ही पोर्ट अभी इधर लगी हैं तो मैंने दो को चूज़ किया, आप 02 से इधर जो है ना वो आप 02 से आगे 48 दे दो, 24 दे दो, 10 दे दो, जितनी रेंज चाहिए, तो वो रेंज हाँ वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब ये रेंज आ गया, मैं इन्हें करूँगा जनाब VLAN स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN
मैं कहता हूँ जी 24 में डाल, एंटर। अब क्या होगा, एग्जिट राइट शो वी लैन ब्रीफ, ये देखो दोनों इकट्ठी उसने डाल दी, मुझे एक एक करके नहीं डालनी पड़ी, ठीक है। तो ये रेंज की कमांड भी बड़ी यूज़ होती है, जल्दी टाइम कम हो तो बंदा फास्ट जो है ना 8-10। अब मैं अगर इन तीनों इनको 12 से लेकर, मैं कहता हूँ जी अब ये जो 12 से लेकर है, ठीक है, मैं कहता हूँ 12 से लेकर ये जो मेरी 24 तक है, ये मेरी उसमें चली जाए, फॉर एग्जांपल 25 में हम कहते हैं जी स्विच को, हम कहते हैं जी इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 8 से लेकर 0/8 से लेकर, ठीक है, 8 से 24 तक, ठीक है, इंटर स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैन 25, इंटर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, शो वी लैन ब्रीफ, ठीक है, तो देखो मेरी वो 25 के अंदर सारी की सारी आ गई है इधर, ठीक है। तो एक एक करके डालने की बजाय आप इकट्ठी भी सारी डाल सकते हैं, हाँ बहुत इजी है, आप इकट्ठी एक एक बल्कि करने से आप इकट्ठी, तो रेंज की कमांड बड़ी हैंडी है, ईजीली आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह सेम हमारा जो है ना वो शो वी टी पी स्टेटस अगर जाके देखें तो हमारा वो भी अपडेट हो चुका है, और डोमेन अगर आपने स्विच पोर्ट मोड क्लाइंट रखना है तो आप क्लाइंट रख दो, फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्वर है, अगर मैं इसको, ये मेरा स्विच ज़ीरो है, अगर मैं इसका मोड जो है हम कहते हैं कॉन्फ टी वी टी पी मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ, हम कहते हैं जी शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है, ये मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके ऊपर जो मैं वी लैन बनाऊँगा ना, जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, वी लैन 26, ठीक है, एडमिन, इंटर, सॉरी एडमिन का नाम हमने अंदर जाके देना है, नेम एडमिन, ठीक है, ये आ गया, हम लोग इधर आ गए, ये आ गए, राइट किया, शो वी लैन ब्रीफ, ठीक है। इसमें देखो एक और वी लैन बनी है 26 के नाम से एडमिन की, ठीक है, लेकिन अब आगे इसका अगर आप रिवीजन नंबर देखो, स्टेटस 8 हो चुका है, लेकिन अब हमारा दूसरे कंप्यूटर पे अगर जाएं, शो बी टी पी स्टेटस 7 ही रहा, वहाँ पे 8 हो चुका है, यहाँ पे 7 ही रहा, शो वी लैन ब्रीफ, इस पे देखो एडमिन की नहीं आई, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का जो, अगर किसी स्विच को हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो वो इंटरनल उसी का वो लोकल हो जाएगा, वो डोमेन के अंदर उसका कोई चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अगर वापस उसका मोड जो है वो मैं सर्वर करता हूँ या क्लाइंट करता हूँ, कॉन्फ टी वी टी पी मोड, सॉरी मोड क्लाइंट, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने, शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है, जो 8 था वो हमारा, आप देखो शो वी लैंस, ठीक है, इसमें उसने एडमिन को उड़ा दिया, क्योंकि क्लाइंट ने हमेशा वो वाला लेना है जो आपका सर्वर इन्फॉर्मेशन दे, सर्वर के पास 7 था, हमने ट्रांसपेरेंट किया, ट्रांसपेरेंट करके उसके अंदर एक वी लैन बनाई तो उस पर एक वी लैन नई आ गई, ठीक है ना, 26 नंबर एडमिन की। जब हमने इसको वापस ट्रांसपेरेंट से क्लाइंट किया तो सर्वर ने कहा भी तुमने ये कहाँ से बना लिया, इसको रिमूव करो, ये लो मेरा 7 कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, तुम वापस 7 पे जाओ, ये एडमिन उडमन कोई नहीं, ठीक है। तो ये है, और अगर हम अब अगर बनाते हैं फॉर एग्जांपल स्विच पोर्ट, वही अगर हम अगर जाके इसको भी कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके वी लैन 26, वो कहेगा जी आप क्लाइंट मोड में हो, आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ आप रेंज उसको दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, हम कहते थे जी वी लैन, ये देखो वो कह रहा है जी आप 1105 की रेंज तक दे सकते हो, जो ऑलरेडी बनी हुई है आप उसको कोशिश करो कि ना ही दो, एग्जिट, वो कहेगा जी वी टी पी वी लैन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड, हम लोग कर देते हैं जी इसको वी टी पी मोड सर्वर, ठीक है, सर्वर कर दिया, और अब हम अगर करते हैं 24 तो 24 बनवा देगा, ठीक है, नाम चेंज कर देगा, एग्जिट करके रन में जाओ, शो वी लैन ब्रीफ, इंटर, तो देखो 24 सेल्स की ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अब ये सर्वर मोड है, मैं और भी बनाना चाहूँ तो इजी बना सकता, फॉर एग्जांपल वी लैन, अब मैं बना सकता फिर दोबारा एडमिन की या 27 कर देते हैं हम
HR की HRM, ठीक है, सॉरी नाम बाद में देना है हमने, अंदर जाके नेम HRM, ठीक है, और मैं एग्जिट करके राइट करता हूँ शो VLAN ब्रीफ, ठीक है, तो देखो HR की भी उसने VLAN बना दी, शो VTP स्टेटस, तो हमारा रिवीजन नंबर कॉन्फ़िगरेशन 6 हो गया। अब उधर जाएं हमारे इस स्विच के ऊपर, शो VTP, अब शो VTP स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे 8 है सर्वर का, ठीक है, शो VLAN ब्रीफ्स, तो उसमें देखें HR की हमारी आ चुकी है ये, ठीक है, तो VTP अपना रिकन्फिग्रेशन नंबर भी जो है ना वो अभी थोड़ी देर तक देखो तो वो भी उसने भी अपना जो कन्फिग्रेशन नंबर है वो भी जो है ना चेंज कर लिया होगा, ये देखो ये भी इसने भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो जैसे हम कोई चीज़ डिलीट करेंगे भी उसको VLANs को तो उड़ाएंगे तो नीचे को जाएगा कन्फिग्रेशन नंबर, कोई बड़े उसकी नीचे आता है कभी, और जब हम कोई बनाते हैं VLANs तो वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, VLAN कन्फिग्रेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, क्लास काफ़ी हो गई है मेरे ख्याल में। तो आपने आपने ये तीनों चीज़ें VTP ट्रंक VLAN क्रिएट करना और पहला जो हमारा था पोर्ट फास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो डिटेल करनी है और लाजमी करनी है क्योंकि ये स्विचिंग के कह लो कि स्विच के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि स्विचिंग